हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। अगर आपने पिछले मंगलवार का वीडियो नहीं देखा तो आपको ये बता दें कि हम हर मंगलवार को दिसंबर में सोलैनम ट्यूबरोसम की रेसिपीज बनाएंगे। नहीं, कोई सुरताल नहीं है ये बेसिकली बोटैनिकल नेम है, सोलैनम ट्यूबरोसम उर्फ आलू पटेटो। ठीक है जी, तो नमस्कार, मैं हूँ सोलैनम, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और बनाते हैं सूखे आलू तीन किस्म से, यानी कि आलू जीरा तीन किस्म से, फटफट झटपट बनने वाला काम। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब आप दिसंबर से जनवरी में जाएंगे ना, आप तो आप अवतरित हो चुके होंगे, तब आप सोलैनम भगवान बन चुके होंगे, आलू के भगवान। आपको इतनी रेसिपीज आ गई होंगी कि आप कहेंगे बस रणवीर, आज के बाद आलू की रेसिपी नहीं बनाए। चलिए म्यूजिक कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, तीन किस्म के जीरा आलू या तीन किस्म के सूखे आलू बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। ठीक है जी, ये आलू जो है उबले हुए हैं, उबाल के आलू को फ्रिज में रखा है मैंने। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आलू एक शेप पकड़ लेता है, अच्छे से कटता है। गरम गरम आलू को सब्जी के लिए इस्तेमाल ना करें, वरना आप बना रह जाएंगे सब्जी, बन जाएगा भड़ता, और आप कहेंगे रणवीर आपने नाइफ नहीं दी। तो सबसे पहले सोलैनम ट्यूबरोसम को काट लें, इसके बाद बोटैनिकल नेम सबको याद हो जाएगा। सोलैनम ट्यूबरोसम को काट लेते हैं। ठीक है जी, आलू को काट लेते हैं। ये देखिए, ये साइज, यानी कि छोटा है तो 1/4, और बड़ा है तो 1/6। बहुत सिंपल रेसिपीज हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, बेसिकली तड़के का खेल है ना। तो ये समझ लीजिए, आपको तीन किस्म के तड़के दिखा रहे हैं। कौन से तड़के दिखा रहे हैं वो ही बता देते हैं, फिर फोटो आ जाएगी ना डिश की, तो आप थोड़ा सा और आपको लगेगा कि हाँ भाई सही रुके हुए हैं हम रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एक पहाड़ी आलू, यानी कि आलू के गुटके। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं हींग जीरे के आलू, यानी कि नो अनियन नो गार्लिक आलू, जो कि आप कभी भी झटपट बना सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं हरी मिर्च और धनिए के आलू, वो भी सूखे हैं, लेकिन उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्यार, नहीं नहीं जिंजर। तो चलिए शुरू करते हैं सूखे आलू नंबर 1, हींग जीरे के आलू, हींग जीरा पोटेटोस। रेडी, हींग जीरे के आलू बनाने के लिए आपको चाहिए हींग जीरा आलू। अभी देखिए, आज जादू से सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। तो हींग जीरे के आलू के लिए आपको चाहिए हींग, लाल मिर्च, जीरा, मेथी दाना, काली मिर्च और चॉप किया हुआ धनिए की डंडी। ठीक है, हाँ। क्या है ना कि तड़के के लिए सब आप तैयारी कर लें, इसलिए हमने कहा रुक के एक बार फिर से बता देते हैं। ओके, अभी कुछ नहीं रह गया साहब, ये लीजिए। सबसे पहले तेल में थोड़ी सी मेथी, बस 2-3 दाने, फिर जीरा, फिर हींग, फिर वो जो हमने धनिए की स्टेम काटी है वो, लो जी, आलू टूटना नहीं चाहिए बस। हाँ, नमक, अभी हींग जीरे का जो आलू है ना, इसका रंग जो है वही इसकी मोनोपोली है, और इसका रंग आता है देगी मिर्च से, रंग वाली मिर्च से। ठीक है जी, इसलिए मिर्च में कंजूसी ना करें। तो बेसिकली जब झटपट कुछ चाहिए हो
और कुछ हैवी खाने का मन ना हो तो ये है आपकी रेसिपी साहब। नींबू, नींबू जरूरी है, मिर्च को नींबू ही बैलेंस करता है, प्लस हींग को भी नींबू ही काटता है। अभी धनिया, ज्यादा बारीक नहीं काटना धनिया, ये लीजिए डन। बहुत ध्यान से हलवा नहीं बनाना आलू का, इसलिए आलू को फ्रिज में डाल दीजिए, वो बहुत जरूरी है, शेप पकड़ लेगा ना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक किस्म का आलू लेना है उस किस्म का लेना है, जो आपको मिल रहा है आलू उस किस्म का आलू लीजिए। आमतौर पर मैं कहता ना कि सिर्फ पहाड़ी लीजिए या ये किस्म का आलू लीजिए, कुछ नहीं है, जो मिल रहा है ले लीजिए। टेस्ट हम तड़के के जरिए डाल रहे हैं। तो सूखा आलू रेसिपी नंबर वन रेडी है साहब, हींग जीरे के आलू। इसमें अगर कुछ एडिशन करना है तो आप थोड़ी सी सौंफ डाल सकते हैं तड़के में, बस। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई एकदम इतने लाल लाल आलू बन गए और इतने कम इंग्रेडिएंट्स यूज हुए। तो मेरी होटल किचन में बनाई हुई सबसे पहले सूखे आलू की रेसिपी है ये हींग जीरे के आलू, जो आपके साथ मैंने शेयर की है, आप बनाइएगा ज़रूर। अब आते हैं रेसिपी नंबर दो पे। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और सूखे आलू की रेसिपी नंबर दो यानी कि धनिए मिर्ची के आलू बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, जीरा, दैट्स इट, और हाँ नींबू। हरी मिर्च तीखी वाली नहीं लेनी है साहब। अब इसको चाहे तो मिक्सी में घुमा सकते हैं लेकिन घुमाइएगा मत, इसका जो मजा और मोनोपोली है वो हाथ से कूटने में ही है, ठीक है जी। और ये धनिया की पत्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे धनिया की डंडी। अब ये सब लीजिए, इसकी कर दीजिए कुटाई। चटनी नहीं बनानी लेकिन ऐसे मोटा मोटा भी नहीं छोड़ना, मतलब थोड़ी मेहनत कर लीजिए। देखिए कितनी इज्जत दे रहे हैं हम आलू को, नहीं तो आलू बेचारा घर की मुर्गी दाल बराबर ही हो जाता है। एक्चुअली वो कहावत ही गलत है, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होना चाहिए, घर की मुर्गी आलू बराबर होना चाहिए। दाल की तो फिर भी कोई इज्जत है, आलू की तो सुसरी कोई इज्जत ही नहीं है भाई। कुटाई का कार्यक्रम खत्म और सिकाई का कार्यक्रम शुरू। डाला थोड़ा तेल, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन मजे की है। थोड़ी सी राई ली है मैंने बिल्कुल नाम भर के, लेकिन जीरा ज़्यादा लिया है। देखिए पिछली बार जैसे मैंने थोड़ी सी मेथी डाली थी, मेथी क्यों थी, कड़वाहट के लिए, राइट। यहाँ पर मैं राई डाल रहा हूँ कड़वाहट के लिए। राई जो है वो बिल्कुल नाम भर की डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ वो हल्की सी कड़वाहट ज़रूरी होती जब भी आलू बनाए। तो ये लीजिए जीरा गया, राई गई, जैसे राई चटके चटकी आलू गया। ये है जी आलू नंबर दो। ये मेरी गलती नहीं है, मैं पता है जब भी मैं डालता हूं एक रेसिपी आपको लगता है यार रणवीर एक ही रेसिपी, तो आजकल सब कुछ यही चल रहा है, तीन टाइप का ये, चार टाइप की वो, पांच टाइप का नाश्ता, छह टाइप का डांस, सात टाइप के गाने, मतलब समझ रहे हैं ना आप, यही चल रहा है आजकल। तो हमने कहा ठीक है भाई तीन किस्म के आलू बनाते हैं, थोड़ा आलू का सेलिब्रेशन हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा इसको रंग आने दीजिए, तलने दीजिए। मेन चीज यही है कि आलू में जो असली टेस्ट आता है ना वो तल के आता है, राइट, तले आलू का जायका मेन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्सचर इसको देना ज़रूरी है। थोड़ा सब्र रखिए और आलू को हल्का सा कलर आने दीजिए। ये देखिए आ गया, अब इसके ऊपर डालना है अपना मसाला, ठीक है जी। और जैसा मैंने कहा मसाले में मिर्च तीखी वाली मत डालिएगा, अगर तीखी वाली है तो मिर्च कम कर लीजिएगा। और नमक इसमें ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, बस। इसको पकाने का मेन मकसद ये है कि धीरे 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 जो हमने चटनी बनाई है उसके जूसेस नीचे लीच हो, वक्त लेके वो अपना जायका छोड़े। क्रिस्पी पहले कर लीजिएगा, बाद में क्रिस्पी होने का मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए मेन चीज क्या है, इसको चलाना नहीं है ज्यादा, है ना, ज्यादा चलाएंगे तो आलू टूटेगा,
उसके बाद जो हरी मिर्च है उसको धीमी आंच पे भूनना है, उसकी मिठास निकालनी है। बाकी फिर अपना अदरक लहसुन भी कच्चा है ना, वो भी भुनेगा, इसलिए ढक्कन लगाओ, प्रभु के गुण गाओ 5 मिनट के लिए, फिर आ जाना वापस। नहीं 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट बहुत है। और देखिए बातों ही बातों में से जो बात निकलती है वो ये निकलती है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, वो बहुत जरूरी है। ये भाई साहब ये जो रंग है ना वही इसकी मोनोपोली है। हल्का सा नींबू, यहाँ पर नींबू कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि मिर्ची इतनी है ना, नींबू नहीं डालेंगे तो मिर्ची ज्यादा लगेगी। ये जो सूखे आलू हैं इसकी इंस्पिरेशन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में ठेसे वाले आलू बनते हैं, यानी कि एक कच्चा ठेसा बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है, उसके अंदर उबले आलुओं को या फ्राई आलुओं को टॉस करके खाया जाता है। तो इस डिश की इंस्पिरेशन है महाराष्ट्र के ठेसा आलू। देखो जी अगली जो रेसिपी है वो मेरी फेवरेट है। फेवरेट मतलब फेवरेट। अगली रेसिपी है पहाड़ी आलू कह लीजिए या आलू के गुटके कह लीजिए, ठीक है? गुटके मतलब टुकड़े। कुमाऊनी रेसिपी है, बड़ी फेमस है, तो ध्यान से सुन लीजिए। तो कुमाऊनी आलू के गुटके बनाने के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, जीरा, ऑप्शनल है सौंफ या कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऑप्शनल, हल्दी, बारीक चॉप मिर्ची, बारीक चॉप धनिया, सूखी लाल मिर्च, नमक, आलू, बाकी गॉड इज ग्रेट। तो कुमाऊं में इसको लोग स्नैक्स की तरह भी खाते हैं, पूड़ी के साथ भी खाते हैं। आप किसी भी ढाबे में चले जाइए कुमाऊं में तो आपको आलू के गुटके मिलने ही मिलने हैं। आई थिंक ये जीरा आलू या सूखा आलू हम जो उसे कह लें, मेरे हिसाब से उसका बेस्ट वर्जन है जो हर किसी को बनाना चाहिए, ठीक है जी? तो जी देख लीजिए, जो जो मैंने बोला वो मैंने ले लिया, किसी की कोई नाराजगी है तो हमें ज़रूर बताएं। ये गया सरसों का तेल। आलू के गुटके सरसों के तेल में ही बनेंगे, अगर सरसों के तेल में नहीं बनाएंगे तो बाय गॉड की कसम बहुत पछताएंगे। सरसों के तेल को जी स्मोक होने देना है, ठीक है? स्मोक होने के बाद जीरा, राई ऑप्शनल है, राई कलौंजी ऑप्शनल है, मेन चीज मेन मुद्दा जीरा है। उससे पहले ये आपकी सूखी मिर्च, सेम चीज है जी, आलू बिल्कुल ओवर कुक नहीं होना है। सरसों के तेल से ऑटोमेटिकली वो मीटीनेस आ जाती है साहब। अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है, अभी वेट करना है। थोड़ा सा आलू को शेप पकड़ने देते हैं। अब डालनी है इसमें हींग थोड़ी सी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, परफेक्ट गुटके वाला रंग है साहब, है ना? धनिया का थोड़ा कालापन चाहिए, हल्दी का पीलापन चाहिए, और यहाँ पर अगर आप देगी मिर्च यूज़ नहीं करेंगे तो सूखी रहेंगे। देगी मिर्च से एक्चुअली रंग खराब ही होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ब्यूटिफुल, ये जो है स्लो गैस वाला काम है, ठीक है जी? ढक्कन लगाने से पहले गैस को एकदम स्लो कर लीजिए और आलू पे क्रस्ट आने दीजिए। गैस तेज़ होगी ना तो मसाले जल जाएंगे, वो आप नहीं चाहते, राइट? क्योंकि इसमें सिर्फ सूखे मसाले हैं, और दूसरा आप पानी नहीं डालना चाहते वरना आलू सौगी हो जाएंगे। पानी को टच भी नहीं कराना है इसमें। आलू के गुटके की खूबी यही है कि पानी बिल्कुल टच नहीं होता, इसलिए धीमी आंच और ढक्कन। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिंपल खाना बनाना मुश्किल है, और मोर इंपॉर्टेंटली खाना बेसिकली सिंपल ही होता है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, राइट? अगर आप कोई सूखे आलू की रेसिपी देखते हैं और वो सूखे आलू की रेसिपी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वो रेसिपी गलत है, ठीक है जी? इसलिए
यू कीप इट सिंपल, यू स्टे हैप्पी. ये देखिए, एक भी आलू टूटा, बस गुटके मतलब टुकड़े, तो आलू के टुकड़े दिखने चाहिए साहब. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि तली हुई एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी मिर्ची जो है वो लाल मिर्च फ्राई करके रख लेते हैं, राइट. और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो आलू निकलता है, सर्विस होने वाला होता है, वो एक मिर्ची लेते हैं, उसको ऐसे क्रश करके और आलू के ऊपर डाल देते हैं. उसका अपना ही जायका है साहब, अपना ही जायका है. मैंने कहा कर ही देता हूं, मुझे लगा सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, उससे अच्छा करके दिखाऊं ना. उसका अपना मजा है, तली मिर्ची का आलू के गुटके पे अपना मजा है. ये लीजिए, ये मिर्च को जला के क्रिस्पी कर लिया. अच्छे आलू के गुटके की यही मोनोपोली है, ठीक है. ये देखिए, मिर्ची ली और ये मिर्ची को ऐसे आलू पे क्रश कर दिया. कढ़ाई से खा रहा हूं, मतलब शादी में बारिश होगी, पर शादी हो चुकी है, सो इट्स ओके. सच्ची बात बता रहा हूं ना, शादी होने के बाद आप कढ़ाई से खा सकते हैं, क्योंकि बारिश वारिश अब नहीं होगी. बहुत मजे के हैं साहब. मेन क्या है, मेन ये है कि मसाला नहीं जलना चाहिए. आलू थोड़े से कच्चे होने चाहिए ताकि घुले नहीं. और तीसरा, जो शुरू शुरू में आप डालते हैं ना, वो सूखी मिर्च, उसकी स्मोकीनेस, उसकी ब्यूटी, मजा आ गया. देखिए क्या है ना, आलू जो है ना वो माँ जैसा होता है ना, इट्स वेरी फॉरगिविंग, माफ कर देता है. हैं, आप थोड़ा बहुत ऊंच नीच करें तो आलू माफ कर देता है, इसीलिए आलू की कदर नहीं होती, राइट. अगर आलू भाव खाता ना तो आप कदर करते, या अगर आपको आलू के भाव देने पड़ते तो आप कदर करते, है ना. तो ऐसा वेट मत करिए कि आलू एक दिन बहुत महंगा होगा तब आप आलू को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, आज ही कर सकते हैं. 3 रेसिपी मैंने दे दी है, बाकी God is great. Thank you so much for the love. आपका सदैव 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 आभारी. आप हैं तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं. Thank you for liking, sharing and subscribing.